तरवा थाना क्षेत्र के रासीपुर ग्राम सभा के समीप मंगई नदी के एक पुल के पास गुरुवार समय लगभग एक दिन के एक बजे के करीब नवजात शिशु मिली। पालन पोषण के लिए गांव के ही महिला ने उस लड़की को गोद ले लिया। मिली जानकारी के अनुसार तरवा थाना क्षेत्र के निवासी राधेश्याम सरोज और दिनेश खरवार रास्ते से घर की तरफ जा रहे थे। मंगई नदी के समीप पुलिया के पास पहुंचते ही बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही दोनों लोग ठहर गए और देखा कि कहां वहां से आवाज़ आ रही है। बहुत ध्यान से देखा तो एक झोले में साड़ी के फॉल में लपेट लपेट कर किसी ने अपना पाप छुपाने के लिए फेंक दिया था। आपको कैसे मिली है? ये हमारे पति को मिली है। कहां पर मिली है? नदी पे। अच्छा, तो ये इसका जो है इलाज आप कैसे कैसे करवाया आप लोगों ने? ये इसका नार रोड काटे और काट के ले हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ से हॉस्पिटल से दवाई वाई करवा के लाए तो जब से अभी हमारे पास है। अब क्या करेंगे? अभी इसका देखभाल करवाएंगे। कैसे? एक हमारी पड़ोसी है, उनको देंगे। अच्छा, क्या भरोसा है आपको कि जो है वो सही ढंग से पालन पोषण? बाल बच्चा नहीं है कोई भी, तो आप सही ढंग से उसको देख रेख करेंगे? हाँ करेंगे। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को